हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली और एक मैं वीडियो दे रहा हूँ सुपर सेरामिक कोटिंग, जो मैंने नियरली एक साल हुआ है मेरे गाड़ी के ऊपर मैंने किया था, और दोनों एक्चुअली बटन का आता था। मैंने लगभग ये चीज़ लिया था 2500-600 के आसपास, कुछ ऑफर वगैरह देने के बाद इतना कुछ प्राइस आया था। सुपर सेरामिक कोटिंग का एक कंपनी है, वहाँ से मैंने ये चीज़ मंगाया था। और इसका जो है एप्लीकेशन प्रोसेस भी मैंने इसके ऊपर वीडियो है, और लगभग एक साल से ऊपर हो गया मेरे गाड़ी में। मेरे गाड़ी ये चीज़ लगाने के बाद नियरली 4000 के आसपास चल चुका है। और मतलब आप समझ सकते हो, एक साल में 4000, मतलब गाड़ी उतना ज़्यादा नहीं चलता है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं निकलता है, हर रोज नहीं निकलता है, नियरली महीने में 2-3 बार ऐसे करके एवरेजली, मतलब यू कैन से कि हर वीक में एक बार गाड़ी निकलता है, तो ऐसे करके गाड़ी निकलता है। तो सुपर सेरामिक, मतलब जो सेरामिक कोटिंग का जो चीज़ है वो अभी भी है। मतलब एक चीज़ देख के आप समझ सकते हो, गाड़ी का बॉडी में अगर आप पानी दोगे तो थोड़ा सा ड्रॉपलेट करके, मतलब ड्रॉप सा कुछ रहेगा, और नॉर्मल बॉडी में थोड़ा सा ये चीज़ उतना ज़्यादा मतलब आप देख के समझ जाओगे कि ये कौन सा सिरामिक कोटिंग वाला गाड़ी का बॉडी है और कौन सा जो नॉर्मल गाड़ी, मतलब नॉर्मल पेंट वाला बॉडी है। सो दिस इज़ द थिंग। बट लेकिन मैं यही चीज़ एक चीज़ ही बोलूँगा कि उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, बट हाँ नॉर्मल गाड़ी से, मतलब जो नॉर्मल कलर का, जो नॉर्मल पेंट वाला जो नॉर्मल गाड़ी है उससे अच्छा है। क्योंकि हाँ आप 2500 में आप टोटल गाड़ी का सेरामिक कोटिंग आप कर सकते हो खुद से। अगर आप बाहर जाओगे, मतलब मैंने ये चीज़ करने से पहले 2-3 जगह रेट पूछा था, नियरली जो 9 इंच या 10 इंच ऐसे करके कुछ सेरामिक कोटिंग का कुछ मॉडल है आई कैन से, सो अलग अलग प्राइस है, नियरली 10,000-15,000 ऐसे करके सिरामिक कोटिंग का जो मैं बोल रहा हूँ इसका प्राइसिंग है। सो उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, नियरली आपको 10-20% प्राइस में आप होल गाड़ी कर सकते हो। लेकिन हाँ जो शोरूम का जो होता है उसका जो अलग इफेक्टिवनेस है, ऐसे आपका जो आप खुद से करोगे उतना इफेक्टिव नहीं मिलेगा। बट मैं एक चीज़ एक बार दिखा देता हूँ कितना क्या अभी इफ़ेक्टिव है, आप खुद देख लो। मैं थोड़ा सा पानी देके दिखाता हूँ। और एक चीज़, मेरा जो है पीछे जो है बम्पर एक बार ठुका था, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जो उसके ऊपर वीडियो है। सो उसके बाद मेरा जो पीछे जो बूट है और सामने का जो बम्पर, ये चीज़ चेंज हुआ है, तो उसके ऊपर सेरामिक कोटिंग नहीं है अभी के टाइम पे। तो मैं वही चीज़ दिखाऊंगा क्या डिफरेंस है और क्या कुछ है, अगर मतलब कुछ डिफरेंस है भी या नहीं। तो चलो एक बार देख लो, एक मिनट। चलो पानी का बोतल जो है खोल लिया। ये जो पूरा मेरा जो गाड़ी है, पूरा गाड़ी में पूरा ही सेरामिक कोटिंग किया हुआ हूँ अभी। ये जो ये वाला बम्पर का सेक्शन, और जो पीछे का बूट, और ये वाला चीज़, ये तीनों में सेरामिक कोटिंग नहीं है। हालांकि ये वाला बम्पर भी मतलब चेंज किया था उस टाइम पे, तो उसमें नहीं है। चलो एक बार देख लेता हूँ। देखो ऐसे करके कुछ हो रहा है, और यहाँ पर देखो और इधर देखो, हालांकि कैमरा पे उतना कुछ समझ में आया नहीं, वो चीज़ मालूम नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं यही बोलूँगा, ये एक साल हो गया उसके ऊपर भी मतलब इफ़ेक्टिवनेस है अभी भी। बट एक ही चीज़, और मेरा गाड़ी उतना चलता नहीं है, एक साल में नियरली 4000 किलोमीटर, तो गाड़ी उतना ज़्यादा नहीं निकलता है। अगर गाड़ी ज़्यादा निकलेंगे, मतलब ज़्यादा देर रोड पे चलेगा, तो उसके बाद में क्या इफ़ेक्ट होगा क्या नहीं, वो चीज़ अलग बात है। लेकिन अभी के टाइम पे ठीक है, सिरामिक कोटिंग
का एक खासियत यही है, अगर गाड़ी का बॉडी में अगर आप सिरेमिक कोटिंग दोगे तो पानी उतना ज़्यादा देर नहीं रहेगा, जल्दी से निकल जाएगा। वही चीज़ वीडियो पे मतलब कैमरा पे उतना रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, मतलब मैं यही चीज़ का डिफरेंस देखा हुआ हूँ। मतलब अगर यू कैन से कि मतलब बारिश में गाड़ी भीगेगा तो बॉडी पे उतना पानी नहीं जमेगा, सब जो पानी है वो मतलब निकल जाएगा। दिस इज़ द थिंग, ये एक छोटा सा मतलब है डिफरेंस सिरेमिक कोटिंग या नॉर्मल जो पेंट वाला जो नॉर्मल जो गाड़ी है उससे। सो मैं हालांकि अभी सोच रहा हूँ जो और एक बटन लेके, जो सामने का बम्पर और जो पीछे बूट और एक बार नॉर्मल एक बार एक कोटिंग, मतलब सिरेमिक कोटिंग का यही है कि साल में एक बार करके आपको पूरा गाड़ी नॉर्मल एक बार कोटिंग करना होगा। सो दिस इज़ द थिंग, मैं सोच रहा हूँ करने के लिए, बट मैं देखता हूँ क्या कर पाऊँ। मतलब उतना ज़्यादा मुझको टाइम अभी नहीं है कि गाड़ी लेके निकले, मतलब निकलेंगे उसके बाद सिरेमिक कोटिंग करेंगे, क्योंकि ये जो प्रोसेस है गाड़ी में करने में नियरली 1.5-2 घंटा लगता है एक बार कोटिंग करने में। सो यही मैं देख रहा हूँ अगर मतलब कर पाऊँ कि नहीं। सो अगर कर पाऊँगा तो मैं ज़रूर इसके ऊपर भी वीडियो दूंगा। सो एज ऑफ नाउ यही जो चीज़ है, सो दिस इज़ द थिंग। या चलो एक्सप्लोर राइडर साइनिंग ऑफ, थैंक यू। और ये जो सुपर सिरेमिक कोटिंग के ऊपर भी अगर कोई भी मतलब आपका कुछ क्वेश्चन रहेगा तो ज़रूर से कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। सो या चलो, थैंक यू।